नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि भास्कर आप लोगों से एस्थमा के बारे में बात कर रहा हूँ। एस्थमा, जिसको कि हिंदी में दमा कहते हैं, दमा दम के साथ जाता है, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। तो इसके लिए हम एक कैंपेन शुरू किया गया है जिसका कि नाम है बेरोग जिंदगी। उस कैंपेन के तहत मैं आप लोगों को एस्थमा के बारे में बताना चाहता हूँ कि एस्थमा जो कि सांस की नलियों की एक प्रकार की एलर्जी है और पोल्यूशन उसको बढ़ा देता है, कोई बढ़ते पोल्यूशन की वजह से एस्थमा के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। सांस की में एलर्जी होती है जिसकी वजह से मरीज को तरह तरह के सिम्टम्स जैसे कि खांसी आना जो कि शाम के समय बढ़ जाए, सांस फूलना, सीने में जकड़न होना या बलगम आना, इस तरीके की कंप्लेंट्स होती हैं जो कि कुछ समय के लिए जैसे कि मौसम बदल रहा हो या मरीज जब धूल धुएं के कॉन्टैक्ट में आए तब होने लगता है। इसके लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है इनहेलर्स। इनहेलर्स बहुत ही सेफ और अच्छी दवाएं होती हैं जो कि जिनका कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, जो बहुत ही टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, जहां पे जरूरत है वहीं पे दवाई सीधे पहुंचती है और इसमें दवाई की मात्रा बहुत कम होती है। और सबसे बड़ी बात, इनहेलर से कभी कोई आदत नहीं पड़ती है। तो एस्थमा के लिए इनहेलर्स हैं सही।